पूज्य श्री स्वाध्याय प्रेमी संस्कार भारती स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री माताजी महाराजा इन समस्त महापुरुषों के चरणों में कोटिशह भाववंदन। आज दीक्षा दिन हम जिनका मना रहे हैं ऐसी साक्षात ध्यान मूर्ति ज्ञान मूर्ति साक्षात सरस्वती संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य भाई महाराज साहब इनके चरणों में भी कोटिशह भाववंदन। सहयोगी साधु मंडल धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, कहते हैं कदम ऐसा चले कि निशाना बन गए। भाई महाराज साहब दीक्षा ली तब 18 साल के थे, तब कहते थे हमारा मुंडा मछली मासी ने आने में कई करना, मैं कई कर नहीं सकता, मैंने सोचा अच्छा नहीं तो नहीं लंबा के बाद तो हमारा मुंडा मछली तो मासी ने आने तो मैं कई कर सकना है। किंतु जब जोश में आ गए होश में आ गए तब वो कदम ऐसे चलते गए, तो कहते कदम ऐसा चले कि निशाना बन गए। आज हर गांव में जाके देखो तो किसको पहचानते सर ते महाराज के वाइनर ते महाराज मेरे कौन थे मत रहने वाले बाकी थे सर गए। यहाँ पर भी लोग आते हैं ना तो सबका माता प्रबंधन करे, माता बड़ा माता पढ़े उसको माकू नहीं माकू नहीं बड़ा माता पढ़े मतलब इनकी महिमा इतनी है। तो कहते हैं कदम ऐसा चले कि निशाना बन गए, काम ऐसा किया कि पहचान बन गए, काम ऐसा किया कि पहचान बन गए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर आपने जिंदगी ऐसी जी मगर आपने जिंदगी ऐसी जी कि आप सबके लिए मिसाल बन गए, आप सबके लिए मिसाल बन गए। आज सभी जन का आदर्श लेते हैं, आज सभी जन उनको बाकी तो निकल जाऊ दो आओ वहां पर देखा 77 बच्चा हो गया आज उन लोग क्या नहीं देखने आ गए जवाना नहीं देखने जाओ तो जाऊ दो आज प्रीति सुधारी मार करने देखने दो निकंद के इस क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान में गोशाला में बड़े बड़े महाराज साहब आते हैं और कहते हैं माता पधार ना हाँ प्रीति सुधारी माता है क्या हाँ तुमको देखना है। तो इस प्रकार अभी भी लोग क्या करते हैं सभी लोग तो आते ही आते हैं किंतु साधु संत भी उनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि आज उन्होंने 58 साल पूर्ण किए और 59 साल में वो आज प्रवेश कर रहे हैं दीक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमारी उम्र भी बाकी की हमारी थोड़ी उसके आगे की उम्र है पर उम्र भी उनकी कितनी है 58 साल पूरे करके 59 साल में उन्होंने प्रवेश किया है और बाय बर्थ जिनको हम लोगों को तीन बातें मिली है शाकाहार नवकार और संस्कार ये बाय बर्थ हमको मिली है। और उसके बाद उन्होंने संयम वाटिका में इस जिन शासन में उन्होंने प्रवेश किया और ये कैसे मिला जन्मतः मिला तो कहते कि अभी परसों मलेशिया के न्यूज़पेपर में आया था कि आज पहले अब जैनी धर्म को सीखना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा क्योंकि जैनी जैन धर्म में उबला हुआ पानी पीते हैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं और मांसाहार नहीं करते हैं। लोग अब क्या करते हैं जैन धर्मों को अब अपना रहे हैं विदेश के लोग अब अपनाने लगेंगे तो भारतीय लोग देखते ना कितने ज्यादा क्या हो जाएंगे और ज्यादा विदेश में तो मान आया कितनी मतलब जावे आओ फॉरेन साइड ही आओ फॉरेन रो एक दूरी की जावे फॉरेन भारत में पर मैं फक्त फॉरेन यात्रा करना है क्योंकि रेल कीमत बढ़े तो ये जैनिज्म इस प्रकार अभी जापान में भी 200 लोगों ने शाकाहार की शपथ ली है। 200 लोगों ने क्या कर ली है शाकाहार की शपथ ली है और मांसाहार उन्होंने छोड़ा है। उसी प्रकार ये जितने भी आती है बीमारियां ये बोला स्वाइन फ्लू और अब तो नया आया है कोरोना ये नया आया है कहाँ से आती है सारी बीमारियां फॉरेन से आती है हमारे इंडिया की नहीं एक भी इसके अंदर स्वाइन फ्लू तो स्वाइन फ्लू की बीमारियां क्यों आई वहां से ये सारे मांसाहारी लोग और उसमें तो चीन तो ना जाने क्या क्या चीजें खाता है और कहते कुछ सर्प के ऐसे जंग उनके खाने में आए कि शायद से कौन सा पैदा हुआ प्रोडक्शन कौन सी बीमारी का कोरोना का प्रोडक्शन
लक्षण निर्माण हुआ है तो ये सारी गंदी गंदी बीमारियां ये गंदा खाने से आता है। वहां के लोगों को मालूम नहीं शाकाहार क्या है और कैसा होता है। हम कितने भाग्यशाली कि हमारा जन्म इस भारत देश के अंदर हुआ है। जन्म से ही हमको शाकाहार मिला है, जन्म से हमको नौकार मिले है, जन्म से हमको संस्कार मिले है, जैन कुल मिला है, जैन परिवार मिला है और सबसे गौरव की बात कि ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे महापुरुष मिले हैं। और देखो महाराष्ट्र की विशेषता, इन्होंने दो ही बातों का ज्यादा प्रचार किया। दीक्षा लेते ही एक तो सबसे बड़ा काम क्या किया, गोशाला गो सेवा। क्योंकि इतना गोशाला एक गाय का जितना ज्यादा प्रचार हुआ, कहते हैं कोरोना के लिए अब इलाज सिर्फ एक ही रहेगा, गोमूत्र का अर्थ और गोमूत्र कंडे का धुआं, ये दो ही बातें रहेगी। गोबर और गोमूत्र, हाँ कंडे और गोबर का धुआं, ये दो बातें रहेगी। बेन महाराज साहब ने पहले से उनको क्या मालूम, पहले से सारे ऐसे ध्यान ना जाता है, बोलते नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाते हैं। कई सारे मंत्र कई मालूम है, इतने सीधे और सरल हो के वो बैठ जाते हैं। पर शायद पहले ही उनकी माँ को पता चल गया होगा कि आप बेटी मारी कई तरी कर ने बताएगा, मारो नाम रोशन करेगा, कुल ने रोशन करेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही इस गौशाला का मांसाहार को रोका और शाकाहार का प्रचार किया। नागपुर के अंदर इतनी ज्यादा हिंसा होती थी और बड़े महाराज साहब के प्रवचन में नागपुर में कम से कम 25,000 भक्त रोज ही रहते थे और आगे बढ़ते बढ़ते 40,000 लोग रोज आते थे प्रवचन में। और उस प्रवचन के अंदर मुख्य विषय रहता था शाकाहार। और कहते हैं कि नागपुर के लोगों के वहां के कसाई बड़े महाराज साहब के पास आए और कहने लगे, भाई तुम्हें तो हमका धंधा का ठिकाना वसूल देना, तुम्हें सिर्फ हमारे तो कितने 200 बकरे रह गए कटने के लिए, हजारों कर बकरे रोज के कटते थे, अब उनकी संख्या कितने पे आ गई, 200 पे। तो जहाँ गए वहाँ शाकाहार का क्या किया है, प्रचार किया। तो ये आज इनका दीक्षा दी तीन संदेश हमारे लिए लेके आया है, उन्होंने भी तीन संदेशों को प्रैक्टिकल किया है और उसके बाद वो क्या कर आपके सामने आए हैं। और जो प्रैक्टिकल करता है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। तो आज उनका दीक्षा दी हमारे लिए तीन संदेश लेके आया है। पहला संदेश लाया है, एक्सेप्ट करो, हर बात को स्वीकार करो। बेन माता नहीं निकले हुए ना प्रसन्न देखिए, उन्होंने उनको दीक्षा अभी अभी आपने सभी ने सुना, दीक्षा लेनी नौती डॉक्टर बनो तो यानी गीत में तो इंटरेस्ट हो, तो गीत सुनना उनमें सुबह इंटरेस्ट तो। और माता जी महाराज के अनुसार की पांच बेटा ने दीक्षा ले ली, आगे दीक्षा ले चलो दीक्षा दीक्षा माता में ना दीक्षा दीक्षा पांच बेटे ने संसार करो अभी तू तरी दीक्षा ले। देखिए सवाल एक या दो महीने का था क्या, सवाल एक या दो महीने का नहीं था, जिंदगी का, पूरे जिंदगी का सवाल था। और उस पूरे जिंदगी को अब सौंप देना जिन शासन के लिए, उस माँ के लिए समर्पण कर देना मामूली बात नहीं थी। पर उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और माँ की आज्ञा को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उनकी बात को मान लिया। और उनकी बात को मानने का और दूसरी उनकी बात उन्होंने मानी। जब दीक्षा ली, दीक्षा के बाद माता जी महाराज साहब ने कहा कि 5-6 साल नगर में रहने के बाद वो विहार करने लगे, व्याख्यान तुम देना। तो बड़े महाराज साहब को व्याख्यान देना नहीं आता, तो मैं कहते तो हमारा मुंडा मतलब मासी भी नहीं आने, तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे तैयार किया, पर माता जी महाराज साहब की इच्छा थी तो उन्होंने व्याख्यान देना, तो उनकी वो भी बात उन्होंने स्वीकार की, उसको भी एक्सेप्ट किया, उसको भी मान लिया और उसको प्रैक्टिकल किया। तो आप कहां से कहां पहुंच गए, कौन नहीं जानता है, देश वाले तो जानते हैं पर विदेश में भी जानते हैं। और इसके और पीछे का कारण, अत्यधिक मन कैसा है, सरल है, सीधा है, संग्रह वृत्ति नहीं है। आप अपन वस्तु है ना भली मारी नाश्ता ही ब्रह्म देना कुनी किया ना कर मस्त है। एक पेन हमने मैंने ऐसे टेबल बनाया था, बड़ा विशेष टेबल था वो, कि उसको खोलो तो ऐसा टेबल बन जाता था, उसको फोल्ड करो तो बैठने का भी हो जाता था, छोटी सी अलमारी भी बन जाती, जिस प्रकार के विशेष मैंने बनवाया था। और वो बहुत सालों की बात है और वो बन के आया और वहां पर
प्रमोद सुंदर, पूज्य प्रमोद सुंदर जी महाराज आपने अभी आया और मैंने बड़े माता को दिया तो सुंदर केवल आप पहले ना देखे इसको तुरंत जन माता को उनको क्या कर दिया ढेट में डेरे माता जी पास में सुबह आ रहे तो इतने ज्यादा ऐसे कुछ विशेष पेन आते थे एक घड़ाई पर पेन निकले तो अगर नायक मान ग्रुप में भी नहीं बताए तो इंद्रपुर की माता कहते तू मस्त पेन आया बोल न हो चाहे रहे कुछ भी नई चीज आते तो लोग एंटीक पीस को चाहते है तो बड़े माता को देने की इच्छा हो जाती है इंद्रपुर की माता कहते तू मस्त पेन आया घड़ाई पर पहले ना देखे तुरंत वहां दे दियो मानो जो पास में सुझावे को नहीं मन पकड़ दे वे देने कर्म तोड़ ले माँ थोड़ा ऊर्जा का संग्रह वो कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में क्या किया, कौन सी बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, दूसरी बात है एडजस्ट करना। दीक्षा लिया करते सब बात करना पड़े, एडजस्टमेंट करनी पड़े। कितना प्रकार की गोचरी पानी में जावा, घर घर ही गोचरिया किस रहे छिड़ती रहे थी, इतनी कहते भद्रा माता इतनी तो फिर कहते भद्रा माता इसी रहे थी, माता मत कहते रोटी मारो तो फूटना नहीं, इस प्रकार बन रहे। तो हर एक प्रकार की ऐसी कुछ रहती है गोचरी, ऐसी पानी हर गांव के अलग अलग रहते हैं, उसको भी खाने से बैठे कोई भाग्यशाली मारा था, कोई भारी भारी आवे माता पात्र में, कोई मस्त राग आवे, कोई मस्त सगो दिया आवे, पर दीक्षा ने अपनी खाली से करो दो बताने जाएगा ही मस्त है कि सो है खाली टाइम में आएगा। तो इस प्रकार उस गोचरी को एडजस्ट करना, उस गांव में जिस गांव में जाते हैं उन लोगों का प्रत्येक जनता प्रत्येक का चेहरा अलग, प्रत्येक को बोलना अलग, प्रत्येक को लोगों के अलग है, उन्हें भी कहीं करना पड़े, स्वीकार करना पड़े, उन्हें देखना पड़े, नहीं पटो को मत ही पटो, बोलना तो पड़े मुंडो तो हाँ हो आया थे अब पटो को मत ही पटो मार हाँ हो आया थे तो मुंडो करना पड़े हंसना पड़े। तो इस प्रकार हर बात में क्या किया उन्होंने एडजस्ट किया और स्वयं नहीं किया फिर अपने सभी शिष्याओं को भी कहा कट्ठे भी रहो आबारा के महल में रहो तो सकाल गाया गोठा में भी रोनी पड़ी तो वो भी उन्होंने हमको सिखा के रखा है। यहाँ से जब हम निकल जाते हैं तो यहाँ की याद तक नहीं आती है, वो संस्कार वो बीज उन्होंने हमारे अंदर भी क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं और अभी भी रो ध्यान के बीज वो हमारे अंदर डाल रहे हैं। सबका काम छोड़ो सालों के ला ध्यान, सबका काम छोड़ो सालों के ला ध्यान, वो संस्कार अभी हमारे अंदर वो डाल रहे है वो आगे काम आएंगे। तो इस प्रकार एडजस्ट करना माओ ने बात की है थाने घर में एक केवल दो बवा आ चे बवा स्वभाव भी किसा रहे मालूम है ना सगा नहीं आज कल किसी बवा आवे के तैयार बैर हो जाए कहीं बिताए अब तो कहीं चाहिए कहीं तो जब मारते थे खाना कहीं नहीं कुछ कुछ बो ऐसे गोड़ बोली आवे मीठे मीठे बोलने सासू जी कहू किसी को कारण बोलता बोलता नहीं आता है कि एक बहू होती आई वहां बहू आई सासू कहीं वो बहू सास के पास आई उन्होंने सास को कहा मराठी में क्यों आगे तो वो सिंबाई सासूबाई कड़े आया सासूबाई ने मैं गोड़ बोली होती तो सासूबाई ने संगित सासूबाई सासूबाई तुम्हें सगले दागिने द्या ना मला काय करा तुम्हें सगले दागिने द्या ना मला सासूबाई ने संगित अगो सगले दागिने जर तुला दिले तो मैं नीट घाल अहो सासूबाई तुम्ही सगळे दागिने मला द्या घालायला तर सासूबाईने काय विचारलं मी काय घाले म्हणजे तुम्ही सूर्य नमस्कार घाला तुम्ही काय करा सूर्य नमस्कार घाला तुमचं ते वय तर इस प्रकार ऐसी भी बहुए आते हैं। कुछ बहुए इतनी आगा बाबा इतनी खराब फड़ इसकी बोलन वाली रहे कि कोई सुने नहीं गए पाटी बदनाम तो मिले सके सासवा चौकी रहे इसको भी नहीं उड़ा कर सासवा भी रहे दबरी थोड़ी तो इस प्रकार कहते हैं दो तीन खड़ा आएगा दो तीन खड़ा आया तो लगे बहुनी सासू ने कह बहु ने अगर तेने बवा ने इतनी मोटी मोटी दो आंखें दी तो तेने खड़ा नहीं दिशा कही है खड़ा नहीं दिशा कही कहे लगे बहुनी कर उतर दे वो अगली हुशियार ना आजकल राघा वाली हुशियार तो लगे बहुनी कर उतर दे
आओ सासुबाई खाने मैंने तो भगवान ने दो काटा दी खाने तो 32 डाल दिया है तो खाने दो कड़ा नहीं खाता है खाने तो बस कर 32 डाल दिया है खाने दो कड़ा नहीं खाता है कि मैंने तो दो काटा दी है। इस प्रकार आज की गोवे हो गई है। आज के सारा जो वातावरण बदल गया है पर उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। माना वेद माता मैं भी तुम तो ग्रुप चलाऊ सादी बात नहीं है। प्रत्येक कण स्वभाव आलो आणि दीक्षा दिया पछि तो प्रत्येक साधू असो नाही तर साध्वी जातो अमूल्य होऊन जातो व्याकरण महामूल्य ते महामूल्य ते तर बनत जावे तर इतका सगळ्याने बन लेणे चालू स्वतः सुख व्यवस्थित अस्तित्व रखणं प्रभुत्व रखणं आणि सगळ्यांना हँडल करणं। पण क्यू हँडल मी विशेषता कशी लाईन की एक लाईन विशेषता आहे काही पण निर्णय घेऊ नका सर आज इतका मोठा आहे बा आज जाणार 15 जण राहतात त्यांनी चेहरे आहे पण काही निर्णय घेणार सर तर माझी गोलमेज परिषद भेटेल काही भेटे माझी गोलमेज परिषद भेटेल आणि तू निर्णय सगळ्यांना होणार सगळा तेरा काही मते तेरा काही मते मी सगळ्यांनी पूछे आणि बाकी त्याचे दादा मत असेल उठाबी देत राहते बार इलेक्शन मध्ये उतरे जिजाचे दादा मग तू करूया निवडणार तर इसो म्हणायचे बेन माझ्या पहिल्यापासून या बात विशेष रूप रखली की काही पण बात करणे आता सगळ्यांनी पूछणे करणे। दुसरी बात व्याना जीवन जीवन में व्याने स्वतः स्टँडर्ड कैच नहीं रखे ना वस्तु ना व्यक्ति। आज भी ते व्यान कपाट व्याने देख जो करने कई स्थाने नहीं मिला मंदिर जर व्याने धराया वस्तु ना एंटीक पीस रखना फर तक संभालने फक्त एंटीक पीस संभालने रखना तो निश्चित 3 ते 4 गोदरेज आराम भरे असता इतना 58 वर्ष दीक्षा दिव्या प्रत्येक लोक इतना याने मानन वाला आवे जिको कहीं ना कहीं देवे पर आज से जाने रुकला था एक पन पीस नहीं मिला लगा के उगावे बाटे उगा याने बाटन में चानन रहे खूब आनंद है याने तो सबको बाटे बाटन में मौका तो जीवन में उनकी एक भी बात व्याना चेहरा करूं व्याना गुरु बेना करूं यानी लपाई नहीं रखी संपूर्ण असं जिथं काही जीवनच कसं आहे ओपन डायरी आणि जीवन कसं ओपन डायरी आणि प्रत्येक बाबतीत करता गया ऍडजस्ट करता गया आणि तिसरी बात आहे अवय काही करणं। पहिली बात कोण सी एक्सेप्ट मार आज्ञा बड़ो की आज्ञा उन्होंने स्वीकार। दूसरी बात एडजस्ट हर परिस्थिति में क्या कर देना नींद के निकलना खानदानी संस्कारी लोग रहते हैं वो नींद के निकल जाते हैं। और तीसरी बात है अवॉइड करना कैसा भी प्रतिकूल वातावरण अगर बन जाता है इसको लेट दूर करना छोड़ देना पर जानवर को छोड़ देना प्रसंग को छोड़ देना पर व्यक्ति को नहीं छोड़ना। जानना ने तो याद रहा किसी बुआ के माता ने तीर छोड़ दो कई बार तुम्हें छोड़ दो तो व्यक्ति आसो वस्तु आसो कई भी आसो उन्हें बदल ले उन प्रसंग ने कई कर दोनों के छोड़ दो उन्हें आगे बढ़न नहीं दो नेहमी बेन माता माने आनो देखो कभी कभी की तो अब एक तो मतलब रुक क्या रहे कई कई प्रसंग बनना करेंगे प्रत्येक का मत अलग अलग प्रत्येक का विचार अलग अलग एक निश्चित है मत अलग अलग के माना के सगारा विचार अलग अलग है पर मन में मन अलग नहीं है सगार मन एक है माई सर संतरा आणि खरबूज कलिंगड चेरता नहीं माता का ऐसा एक है माया तो माई तो माता माई एक है तो बेन माता भी कई करो कई भी प्रसंग उपस्थित हुआ छोड़ दे उन बात में आगे बढ़ाओ नहीं उन बात में आगे चिघड़ नहीं ही के भी माने कि देखो मैंने 2-3 बात अजीब बात नहीं आवड़े जर कधी काउंटर लोड जास्त पडलो कधी म्हणाले तुमचं थोडस काही जोर बोल्या कधी चिडचिडी स्पष्ट येते खानो काम होय तर करो नाही तर खाना शांत बाहेर राहील ते भेट पण घरमे मोठो आवाज होणार नाही घरमे हलकी भाषा उच्चारण होणार नाही घरमे हलकी भाषा उच्चारण होणार नाही घरमे मोठं कुणी बोलणं नाही आणि जिका कोणी भी आवाज बाळगा ज्ञान खाने हासने दो शब्द खाने बोलता ताने चाहिए खाने उनको कटु कितना नंबर के आया है तो आज ते भी उन कटु कटु आया बट बीड़ नगर मानवड़गा शेरी चंदन नगर वागोली शिक्रापुर श्रीरामपुर कठा कठा नाव लेना ते इतना प्रत्येक ठिकाने जो आज मनाते लोग आया है क्यों आया भक्त मैं आकर्षण व्यानो दीक्षा दी इतना प्रत्येक गांव में व्यानो बीच पेरने आया है नवरात्र
कारण आज इतना लोग का जो उपस्थित था, इतना लोग उपस्थित हुआ है। आपको रायसोनी परिवार माता के लिए रायसोनी ने बेटी है, प्रार्थना ने भी पूर्व रायसोनी परिवार है, वो रायसोनी परिवार के आज उपस्थित है। तो इस प्रकार नहीं कही करो कि प्रत्येक बात में कई करता गया, वाइट बात में सोचता गया, तो मैंने भी कहता गया कि मोठ बोलो नहीं, हल्का शब्द बोलना नहीं, आणि मोठारो अभिनय करणो नहीं, बड़ारो मान सन्मान खाने रखता दाय करते। आज ये तीन शिपन मान इतने आज पाम आणि पग पग मध्ये मोर अनुभव करा है। तो इस बेट मारता जी आज दीक्षा दिन निमित्त आपने तीन संदेश दिया है। कितना संदेश दिया? तीन। एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो और अवॉइड करो। कोई भी प्रसंग घर में बन जाए कि एक तो माथो गरम भी को तो दूसरा ही कई गर्म होंगे, शब्द शब्द नहीं लागे तो घरों वातावरण भी तो हो जाए शांत हो जाए। चाहे घर का हो, समाज का हो, परिवार का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, अगर एक का सर गर्म हो गया दूसरा शांत हो जाता है तो देखते देखते माहौल भी शांत हो जाता है। और उसके बाद समझा के उसको वो बात आप कह दो तो घर का वातावरण, देश का वातावरण, परिवार का वातावरण शांत हुए बिना नहीं रहता है। वेद मारा करने आज ही जो पूरा आपको ये कृति ग्रुप की जो बगिया आपको दिख रही है तो इसकी नींव है हमारे पूज्य माता जी महाराज साहब। कौन है? इसकी नींव पूज्य माता जी महाराज साहब है। एक परिवार से 14-14 लोगों को इस मार्ग पर लाना मामूली बात नहीं है। और माता जी महाराज साहब की ये विशेषता थी कि कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन तु मूर्खाना निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान वो होता है जो हमेशा स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, उसके बाद काव्य शास्त्र विनोदन। और माता जी माता कैसे थे? अत्यधिक विनोदी स्वभाव के थे, पांचक विनोद नहीं आ तो मस्त सॉलिड विनोद करता है। और उसके बाद काव्य शास्त्र, उनको गाने में बड़ा मजा इंटरेस्ट था, भजन इतने सुंदर गाते भी थे और बड़े मात्रा से वो गवाते भी थे। उनका भी कंठ इतना सुंदर था, उनका गला सिंपल आया बड़े महाराज साहब को आया हुआ है। तो ये बातें बुद्धिमान के ये लक्षण रहते है कि जो भजन में क्या करता है, आगे बढ़ता है, जो हमेशा का विनोदी रहता है, अपने विनोद करके हंस खेल के विनोदन है, विनोदन हंस खेल के रहना। अगर आप माता जी महाराज साहब रहते ना तो आप इतनी लाइन में ढेली तो कोई कुल लोग पाना करने नहीं आओ। तो पहला पुस्तक माता जी महाराज पे थे, इसो मैंने स्वभाव का सबका मैं इतना आकर्षित होता, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबका रहना कहते जब तक वो थे सब आए थे पहले उनको पूछते थे, ऐसे माता जी महाराज था, विनोदी थे। और तीसरा था हमेशा स्वाध्याय सत्संग। उन्होंने रोज ही 4000 की स्वाध्याय के बिना सोते नहीं थे। 54 साल के अंदर उन्होंने दीक्षा ली और इतना सर दर्द होते हुए भी 1600 गाथा उन्होंने याद की, शास्त्र की 1600 गाथा उन्होंने याद की, कंठस्थ की उन्होंने। और रोज उसके बाद वो 4000 गाथा का पारायण किए बिना नहीं रहते थे। तो ऐसे वो बुद्धिमान थे। और अज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं कि जो बात बात में क्लेश करता है, जो बात बात में आलस करता है, प्रमाद करता है और जो व्यसनाधीन बन जाता है वो कौन रहता है? मूर्ख के लक्षण है, अज्ञानी के लक्षण है। तो ऐसे हमारे माता जी महाराज साहब बुद्धिमान थे, ऐसे हमारे माता जी महाराज साहब ने बुद्धिमान थे, और ऐसी बुद्धिमान बेटी को, ऐसे होशियार बेटी को जो हमको बहुत ज्यादा गौरव है। आपके लिए तो पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब है, पर वो हमारे कौन है? छठे नंबर के सज्ञ मासी जी है। माता जी ने सबका पहला मासी जी महाराज साहब करता, कभी गाँव में सुती में फक्त मासी जी महाराज साहब का निगम आकर्षण फैन हो तो जन्म से पता नहीं क्या उनसे मिटने कितु यश नाम कर्म लेने आया कि निस्तु बोलू नहीं मुंडा मुटल खाना कई हाथ रहा हाथ रहे ग्रुप में सब तो मैंने आग्रह कर चले हो नहीं को चले हो ना उनके बात रहे तब बेटा ऐसे करे से आग्रह कि नहीं करे फक्त आग्रह तारीख है इतनी मैंने पुण्य वाली है इतनी यश का नाम कर मरो दे वे बोले तरी मिठ लगा के वे चाले तरी आओगे वे कभी निस्त लोका के जैसे देखे नजर भर देखे तेरे लोका ने समाधान बाटे इतनी पुण्य वाली मैंने एकत्र करिए तो कारण यानी सरलता यानी छल कपट जीवन
कई प्रकार ईश्वराने जीवन असणारा कार्य म्हणजे सगळ्यात काही बने आहे आकर्षण केंद्र बनलेला आहे सगळ्यांना प्रिय पात्र बनलेला आहे सगळ्यांनी त्याचे विराट मागे इतका चौथा खाना व्यास आहे कुछ नहीं तो इतना अस्तित्व उन्होंने अपनी साधना से निर्माण किया हुआ है तो आंखें जाते जाते कहूंगी कि आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है आदमी भावनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है आत्म्याने नेहमी भावना उच्च राहिला भावना कधी कधी पाठा कधी कधी नव्हे पण भावना कशी राहिली उच्च उरो भलो कर देऊ इरो भलो कर देऊ मी चुकलो कर देऊ मी चुकलो दे देऊ मा आपण बोलू थांबजा मी ते करू विसू मा आई देवा वे आया की लगेच दे 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 आदमी भावनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है और आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है आदमी उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है हमारे देहमात्र का आचरण अस्तित्व व्यक्तित्व इतना ज्यादा उन्होंने निखारा है और उनके कुछ अंश में उनके गुण हमारे अंदर आए आज के दिन हम यही भावना करते हैं और आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं इतना समय निकाल कर आ रहे हैं कितनी गरीब आता एडजस्ट करना है सगळा प्रोग्राम झाला बाहेर रचना आया तो काही करणे आया ते हे पण ऍडजस्ट करणे आता आया आहे कारण 58 दीक्षा दिन है कारण 3 माता जीवन में कहते हैं स्वीकार करनी है कि घर में जितना गरा बढ़े रहा है एक्सेप्ट करनो मोठा ही बात लोग ना अनादर नहीं करनो एडजस्ट करनो कि जिस वातावरण में उनके करना खास करने बवानी बेटा ने एडजस्ट करनो आणि तिसरो काही करणं अवॉइड करणं मन त्या प्रतिकूल काही परिस्थिती जर निर्माण होती तो काही करणं लेट गो करणं आणि प्रसन्न आगे बढावतं जाणं हे जर गुण आपल्याने आयला तर इतका मेहनत अठरा आया आहे तर थाना अठरा गुण काही उद्यायला सार्थक उद्यायला थाना अठरा येणार आनंद थाने द्विगुणित उद्यायला आणि आठ पासून इंटरेस्ट है।